हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खरखोदा नगर पालिका में फिर से शुरू हुई बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी। सरकार के निर्देशों के मुताबिक खरखोदा नगर पालिका कार्यालय से जुड़े सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से शुरू हो गई है। शुक्रवार को कर्मियों ने बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी दर्ज कराई। इस मौके पर नगर पालिका सचिव विनय कुमार ने निर्देश दिए कि हर कर्मचारी को अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक से ही दर्ज करानी है। इस मामले में कोताही करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटना में पति पत्नी घायल। फरमाना गांव के सोनीपत मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में पति पत्नी घायल हो गए। अटायल निवासी अमित ने बताया कि वह उसकी पत्नी रोशन मोटरसाइकिल पर अपनी बहन के पास सिलाना गए थे। जब वे सिलाना गांव से अपने गांव जा रहे थे तो फरमाना गांव के पास सोनीपत मार्ग पर सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल ने उनकी मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी, जिससे वह और उसकी पत्नी घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल सोनीपत ले जाया गया। बाद में उन्हें PGI रोहतक रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। BED कॉलेज में हुई प्रतियोगिता विजेताओं को किया सम्मानित। मटिंडू गांव में स्थित शिवकरण कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें प्रशिक्षुओं ने देशभक्ति गीत, भाषण, नृत्य, फोक डांस, रंगोली व संगीत की प्रस्तुति दी। इस प्रतियोगिता में 65 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुमन बेनीवाल ने कहा कि कॉलेज में प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएँ समय से पर कराई जाती है, ताकि प्रशिक्षण के साथ साथ छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिल सके, मंच के माध्यम से प्रतिभा निखारी जा सके। इस अवसर पर चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव ने व गुरुकुल मटिंडू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य ज्योति मलिक भी उपस्थित रही, जिन्होंने विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। राज्यसभा सांसद ने सुपुआ को भेंट की एम्बुलेंस। सांसद निधि से भेंट की गई एम्बुलेंस विश्वविद्यालय के कुलपति की मांग पर उपलब्ध कराई गई है एम्बुलेंस। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। रोहतक में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने सांसद निधि से पंडित लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन दृश्य एवं कला विश्वविद्यालय PLC सुपुआ को एक एम्बुलेंस भेंट की। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कोर्सों के माध्यम से विद्यार्थियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागरण ने स्थानीय जिला विकास भवन में यह एम्बुलेंस विश्वविद्यालय को भेंट की। उन्होंने कहा कि उनके विश्वविद्यालय के कुलपति गजेंद्र चौहान ने एक एम्बुलेंस की मांग की थी। आज सांसद निधि से 13 लाख रुपए की राशि से तैयार एम्बुलेंस विश्वविद्यालय को सौंपी गई। विश्वविद्यालय द्वारा इस एम्बुलेंस का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। विश्वविद्यालय में काफ़ी संख्या में लड़कियाँ भी शिक्षा ग्रहण कर रही है। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल, जिला परिषद की अध्यक्षा मंजू हुड्डा, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह, उप सिविल सर्जन डॉक्टर KL मलिक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा 20 मार्च तक बढ़ाई गई। कर्नल दीपक कटारिया। युवा अग्निवीर पदों पर भर्ती के लिए करवाए ऑनलाइन पंजीकरण। युवा स्थानीय भर्ती कार्यालय अथवा दूरभाष पर पंजीकरण से संबंधित कर सकते हैं। पूछताछ रोहतक के स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निर्देशक कर्नल दीपक कटारिया ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत विभिन्न अग्निवीर पदों पर ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 मार्च 2023 कर दी गई है। युवा इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं। यदि किसी उम्मीदवार को ऑनलाइन पंजीकरण के समय किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 01262253431, फैक्स संख्या 01262268568 व हेल्पलाइन संख्या 8901384498 पर संपर्क कर सकते हैं। ये भी भाई गठियाबा के लिए, किसी को वेट लॉस करना हो भाई, पेट में गैस बनती हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे ये भाई सफ़ेद मूछड़ी हो गया, सबगंधा हो गया, गोकसुरा हो गया, और भाई एक स्थावर होता है स्थावर, ये तीन चार चीज़ें मिक्स करने से सुबह
अपने जिम करो भाई, कुछ करो, अपने शाम को सोते टाइम एक चम्मच लो दूध के साथ, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा बढ़िया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा के डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित चिल्ड्रन हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। कल्पना चावला, विद्यापीठ, खांडा रोड, खरखुदा। छात्रों के लिए स्पेशल डांस रूम, म्यूजिक रूम, पुस्तकालय की व्यवस्था। पहली कक्षा से ही कंप्यूटर की शिक्षा आधुनिक पद्धति के माध्यम से दी जा रही है। विद्यालय में नन्हे नन्हे छात्रों के लिए अलग से प्री प्राइमरी AC विंग सुविधा, जहां क्लासरूम की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से छात्रों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्री प्राइमरी विंग्स के छात्रों के लिए स्पेशल मेट्स के प्रबंध की व्यापक व्यवस्था। समय समय पर छात्रों व माता पिता के लिए विशेष काउंसलिंग सेशन रखे जाते हैं। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड अकेडमियन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड करिकुलम, स्मार्ट क्लासेस, लैंग्वेज लैब, एक्सलेंट टीचर्स, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। द स्टैनफोर्ड स्कूल, थानाखूर्ट, खरखोदा, एफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। Scholarship exam for the new admission on Sunday, 12th of March 2023 at 10 a.m. PP1 to Class 11th, Science, Commerce and Arts, Innovative and Creative Learning Center, Well-Planned Curriculum, Hostelic Child Development, Aesthetic Infra and Ambience। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।